हमारे देश की पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह से बर्बरता की जा रही है उसे देखकर पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है और मीडिया भी है जो बृजभूषण सिंह को बचाने का काम कर रही है। गोदी मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कर रही है और उल्टा पहलवान बेटियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कई लोग कह रहे हैं। यहाँ तक कि क्रिकेटर विराट कोहली ने भी ये बात कही है। विराट कोहली ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि रेप करने वाले लोगों के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जो आज साधु संत आप देख रहे हैं, उन साधु संतों ने बृजभूषण सिंह का समर्थन करते हुए 5 जून को एक सभा बुलाई है जिसमें भारी संख्या में साधु संत बृजभूषण सिंह का समर्थन करेंगे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश की बेटियों के खिलाफ लगातार गलत बयानबाजी करने वाले, बलात्कार करने वालों का अगर देश में समर्थन होगा तो फिर तो सवाल पूछा जाना लाजमी है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। आप ये भी समझिए कि इस पूरे मामले पर मीडिया किस तरीके से भूमिका निभा रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोक्सो एक्ट बृजभूषण सिंह पर लगा है उसके खिलाफ महंत और अखाड़े आ रहे हैं, जो साधु संत बेटियों के समर्थन में तो कभी नहीं आए लेकिन एक ऐसे आदमी को बचाने आ गए हैं जिसके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। और इसी को देखते हुए विराट कोहली ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूं जहां लोग रेप का समर्थन करते हैं। ये विराट कोहली ने कहा है। आप समझिए विराट कोहली ने किस तरीके से ये बताना चाहा है और ये जताना चाहा है कि तुम लोग रेप का समर्थन कर रहे हो, पोक्सो एक्ट का समर्थन कर रहे हो। और मीडिया में किस तरह की खबरें चल रही है। बालिग निकली बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाने वाली पहलवान, यानी आप समझिए कि मीडिया का फोकस कहाँ पर है। मीडिया का फोकस बालिग और नाबालिग पर है, मीडिया का फोकस पोक्सो एक्ट पर है, मीडिया का फोकस इस बात पर नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुप है, मीडिया का फोकस इस बात पर नहीं है कि जंतर मंतर पर जो जगह प्रदर्शन के लिए दी गई उस जगह से पहलवानों को हटा दिया गया, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, वहाँ ये मीडिया नहीं दिखाई दी। मीडिया इस बात पर फोकस नहीं कर रही कि कैसे महिला पहलवानों को घसीटा गया, वो इस बात पर फोकस नहीं कर रही कि महिला पहलवान और उनके साथ और जो भी पुरुष पहलवान हैं वो अपना मेडल गंगा जी में बहाने गए। मीडिया इस बात पर फोकस नहीं कर रही कि कैसे पहलवानों को न्याय दिलवाया जाए। मीडिया इस बात पर फोकस नहीं कर रही कि बृजभूषण सिंह पर इतने आरोप लगने के बाद भी वो कैसे खुलेआम घूम रहा है। ये बड़े सवाल है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में अपनी राय रखना और खुलकर बोलना बेहद ही ज़रूरी होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।